अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट चीज़ रोल। मैंने लिया है 2 हरी मिर्चियाँ कटी हुई, 2 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ, 1 हरी प्याज कटी हुई बड़ी वाली, और लिया है 4 अंडे। हरी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चियाँ मैंने अंडे में डाल दी है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी। अब इन चीज़ों को मिक्स कर देना है, करो तो ज़्यादा अच्छा है। विस्क से मैंने इसको विस्क कर दिया, ये ज़्यादा अच्छे से हो जाता है विस्क से। फ्राइंग पैन में डालना है अब थोड़ा सा तेल, 2 टेबलस्पून। तेल अब गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैं ऑमलेट का बैटर। इसको हमको स्लो फ्लेम पे रखना है। एक तरफ से हो चुका है, अब मैं दूसरी तरफ टर्न कर रही हूँ। दूसरी तरफ टर्न कर दिया मैंने, अभी भी मैंने इसको स्लो फ्लेम पे ही रखा है। अभी इसमें उस पर मैं डाल रही हूँ प्रोसेस चीज़ डालने के बाद और भी स्लो कर देना है फ्लेम को, सिम पे कर देना है। चीज़ डालने में आपकी चॉइस है, ज़्यादा या कम, आप अपने हिसाब से डालिए। मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। देखिए मैं खोल रही हूँ, चीज़ पूरी मेल्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। ऑमलेट को मैंने निकाल लिया, अब मेरे पास है 2 फिंगर रोल्स। मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल, एक तरफ से फ्राई कर दिया, दूसरी तरफ टर्न कर दिया और दूसरी तरफ टर्न कर दिया। फाइनली मैंने निकाल दिया, एक और मैं डाल रही हूँ। इसी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी, दूसरी साइड में भी टर्न कर रही हूँ मैं इसे। ये दूसरी साइड से भी हो चुका है, देखिए। अगर आपको क्रिस्पी करना है तो कर सकते हो, थोड़ा और क्रिस्पी कर रही हूँ मैं, थोड़ा फ्लेम मीडियम करके, फ्लेम थोड़ा मीडियम करके क्रिस्पी करना है। बस अब मैं निकाल रही हूँ इसे। अब इस पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया। अभी मैं डाल रही हूँ, हमने जो ऑमलेट बनाया था उसकी एक कटिंग डाल रही हूँ इस पर। कट किया था मैंने उसको, अब ये रख रही हूँ और इसको अब बंद कर देना है। आपके टेस्ट के हिसाब से आपको रेड चिली सॉस यूज़ करना है। अगर ज़्यादा यूज़ करना है तो आप ज़्यादा डालिए। ऑमलेट चीज़ रोल तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।